आज हम आपको फ्री मतलब कि मुफ्त में या फिर आप कह सकते हैं बेहद ही कम खर्च में घूमने की निंजा टेक्निक बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब जल्द ही स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली है और कई लोगों ने तो घूमने के प्लान्स बना ही लिए होंगे। तो अपने प्लान्स बनाने से पहले एक बार ये खबर देखना ना भूलें। छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं और अक्सर घूमने जाने से लोगों का बजट बिगड़ता ही बिगड़ता है, इसलिए कई लोग तो सालों से घूमने के लिए सेविंग भी करते हैं और घूमने जाने के दौरान सबसे ज़्यादा रहने और खाने का ही खर्च आता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अब आपको घूमने जाने से पहले बजट की या फिर सेविंग्स की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप में से कई लोग तो इसे मजाक मानेंगे, लेकिन ये सच है। दरअसल आज हम आपको घूमने की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप फ्री में यानी कि मुफ्त में रह सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, यानी कि आप बिना सेविंग्स और बजट की टेंशन के आराम से घूमने जा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं फ्री में रहने और खाने की जगहों के बारे में। अगर आप तमिलनाडु घूमने गए हैं तो आप यहाँ पर ईशा फाउंडेशन में आराम से रह सकते हैं, जो कि कोयंबटूर से 40 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यहाँ आप फ्री में रह सकते हैं। इस सेंटर में योग, पर्यावरण और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में काम किया जाता है। यहाँ पर आप वॉलंटियरिंग भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में फ्री में रह सकते हैं। बस रहना ही नहीं, यहाँ पर आप खाना भी और आपको पार्किंग भी बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। ये गुरुद्वारा पार्वती नदी के पास है। और तो और केरल की खूबसूरत पहाड़ियों और हरियाली के बीच आनंद आश्रम में रुकना लोगों के लिए एक अलग ही अनुभव माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बस अच्छा अनुभव ही नहीं, बल्कि आप आराम से यहाँ पर मुफ्त में रह सकते हैं। रहना ही नहीं, यहाँ आप फ्री में 3 टाइम का खाना भी खा सकते हैं और ये खाना काफी ज्यादा हेल्दी भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर खानों को कम मसालों से तैयार किया जाता है। वही अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के पास एक गीता भवन है, जहाँ आप फ्री में रह सकते हैं। रहने के साथ साथ यहाँ आप मुफ्त में खाना भी खा सकते हैं। इस भवन में 1000 कमरे हैं। यहाँ केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग रहने आते हैं। अगर आप उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं तो आप चमोली के गोविंद घाट गुरुद्वारे में आराम से रह सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। यहाँ से आप पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड का प्लान करें तो यहाँ एक बार जरूर जाएं। वही हिमाचल प्रदेश के नियंगमापा मोनेस्ट्री, जो कि ड्रेवलेसर झील के पास मौजूद है, इस मोनेस्ट्री में रहना फ्री तो नहीं लेकिन इसका किराया काफ़ी ज़्यादा कम है, आप आराम से इसे अफोर्ड कर सकते हैं। एक दिन का यहाँ रहने का किराया है 200 रुपये से 300 रुपये तक, तो आप यहाँ पर कम बजट में आराम से रह सकते हैं। और तो और बनारस के सारनाथ में तिब्बत बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में भी आप कम बजट में रह सकते हैं। यहाँ एक रात का रुकने का किराया केवल 50 रुपये ही है। तो अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आपको कम बजट में अच्छा घूमना है और अच्छा खाना है तो इन जगहों पर जरूर जाए। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।